हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन या वी कॉमर्स। दोस्तों, ये आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट थ्री वीडियो है। इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, आप लोग चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग बीकॉम एम कॉम एंट्रेंस की तैयारी करवाए हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो इंडिया की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हो जहाँ पे बीकॉम होता है। वैसे तो ये स्पेसिफिक ही बीएचयू के कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बट आपके अदर यूनिवर्सिटीज के भी उतनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि पूरा स्टैटिस्टिक्स इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, क्या कैसे करते हैं, सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोग ये समझेंगे तो बाकी के सारे चैप्टर्स टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये बेस है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे आपको डाउट्स कहीं ना कहीं होते जाएंगे, ठीक है। तो हो सके तो अपने सारे डाउट्स को आज क्लियर कर लीजिए इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें होता क्या है कि हम लोगों को कुछ सर्च करना होता है, कुछ ढूंढना होता है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को जानना है कि इंडिया के अंदर कितने गरीब लोग हैं, कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं, कितने ग्रेजुएट हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स मतलब बहुत सारा डेटा है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, इसको जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक लगाई जाती है, ठीक है। अब इसको क्या है पूरा समझते हैं। तो आपको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसेस की स्टेजेस की स्टेप्स हैं, आपको उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, उसके नाम पता होने चाहिए। एग्जाम में आपसे सीधे पूछेगा कि क्या ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का स्टेप है कि नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा, आपको ये भी पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा स्टैटिक्स इसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग स्टैटिक्स के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई भी चीज ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, सर्च फॉर ट्रूथ, किसी भी ट्रूथ सच्चाई के बारे में जानने के लिए, हम लोग किसी चीज़ को सच्चाई हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन हो उसको साबित करने के लिए, सही है कि गलत है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, इसके लिए भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एंड किसी नई चीज़ को खोजने के लिए भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो दोस्तों, चाहते अपने स्टेजेस की तरफ। सबसे पहला जो अपना स्टेज है कि प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भैया, हमको प्लानिंग मतलब कि अपने इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करनी है कि हमको पर्पस क्या है इन्वेस्टिगेशन का, हमें इन्वेस्टिगेशन क्यों कराए, हमको जानना क्या है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, कौन कौन मेरी मदद करेगा, सब कुछ। मतलब कि एक पूरा प्लान आउट लाइन, थिंकिंग इन एडवांस कि हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, मेरा पर्पस क्या है, इसके अंदर पर्पस को भी डिसाइड करेंगे, किनकी मदद देंगे, मतलब पूरा आउट लाइन ओवर व्यू कि भैया जो भी इन्वेस्टिगेशन फ्यूचर में होने वाली है उसको कौन करेगा, सब कुछ। मतलब पूरा जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का मीनिंग नहीं होता है, सेम मीनिंग यहाँ पे है, बस यहाँ पे आगे जाता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ को सर्च करने की है या फिर किसी चीज़ को साबित करने की है, वो सही है कि गलत, राइट है कि रॉन्ग। तो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको प्लानिंग करना है, थिंकिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। एंड पर्पस भी दोस्तों, इसके अंदर पर्पस जो होता है आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है, इसी के अंदर दोस्तों पर्पस जो आपको इसी के अंदर डिसाइड करना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेज की तरफ, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाए। अब हमको इन्वेस्टिगेशन करना है तो भैया इन्वेस्टिगेशन करने की आपको चाहिए डेटा, डेटा होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। अब डेटा को कलेक्ट कैसे करें, तो कलेक्ट करने के दो तरीके हैं दोस्तों, सेंसस और सैम्पिंग दो अलग चीज है, ठीक है। सेंसस और सैम्पिंग दो अलग चीज है, उसको डिस्कस करेंगे अलग से। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पहले तो दो तरीका होता है, एक होता है सेंसस, एक होता है सैम्पिंग, ठीक है। सेंसस का मतलब होता है कि जितना भी डेटा है आपने सबको इकट्ठा कर लिया, सब, किसी को भी नहीं छोड़ा। और सैंपल होता है कि जब डेटा को आप डेटा में से अपने सैंपल उठाइया, जो आपको लगता है कि ये उठाना चाहिए, ये उठाना चाहिए, ये उठाना चाहिए। जब डेटा एक जैसा होमोजीनियस होता है, मतलब जब डेटा एक जैसा होता है, तो वहां से आप लोग सब डेटा को नहीं उठाते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप वहां से कुछ सैंपल उठा देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब डेटा एक जैसा ही है, सैंपल उठाएंगे या फिर वो पूरा उठाएं तो क्या फायदा, ऐसे भैया सैंपल को उठा लो, ठीक है। बट सैंपल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है, वो फायदा कैसे में डिस्कस होगा। यहाँ पे जानना है कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो भैया एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपलिंग। सेंसस मतलब सब डेटा उठा लो, जितना है सब डेटा यूज करियो इन्वेस्टिगेशन के अंदर। एक होता है सैंपल, जो जब डेटा एक जैसे होते हैं तो उसमें से हम लोग जो सेम सेम टाइप के होते हैं उसको उठा लेते हैं, होमोजीनियस डेटा में से। अब इसके अंदर दो टाइप और आते हैं कि डेटा को उठाएं प्राइमरी सोर्स से कि सेकेंडरी सोर्स से। प्राइमरी सोर्स मतलब जब डेटा फर्स्ट टाइम यूज किया जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम एक्वायर किया जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड डेटा, इज नोन एज प्राइमरी सोर्स डेटा। एंड क्या बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स, मतलब जब किसी और इन्वेस्टिगेटर ने
डेटा को यूज किया था और आप उसके डेटा को यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, दोस्तों चारों में डिफरेंस है। प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जो फर्स्ट टाइम यूज किया जाया है, सेकेंडरी डेटा मतलब वो डेटा जो सेकेंड टाइम यूज किया जाया, किसी और ने यूज किया था आप उसका डेटा यूज कर रहे हो। प्राइमरी सोर्स मतलब वो सोर्स जहां से पहली बार डेटा उठाया जाया है, सेकेंडरी सोर्स मतलब वो सोर्स जहां से सेकेंड टाइम डेटा उठाया जाया, पहले किसी ने उठा लिया था। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डेटा को कलेक्शन कहाँ से करेंगे, या तो सेंसस या तो सैंपलिंग इसके अंदर आता है, प्राइमरी या तो सेकेंडरी सोर्स, इसको बाद में अच्छे से डिस्कस होगा दोस्तों। ये आपके चैप्टर्स ही हैं, ये आपके आगे चल के चैप्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बाद में अपने चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से डीप डिस्कशन होगा, बट यहाँ पे आपको बस समझना है कि डेटा कहाँ से उठाएंगे, प्राइमरी सोर्स की सेकेंडरी सोर्स, सेंसस या तो सैंपलिंग। ठीक है, ये भी अपना हो गया। तो पहला था प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा था कलेक्शन ऑफ डेटा। अब डेटा उठाया दोस्तों, अब डेटा को एडिट करना है, क्योंकि जब डेटा उठाएंगे तो बहुत सारे डेटा आ जाएंगे जो कि काम के भी नहीं होंगे, तो उनको आपको एडिट करना है, काटना छाटना है, जो काम का है उसको निकालना है, तो उसको बोलते हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये भी करेंगे। उसके बाद हमने एडिटिंग कर लिया, अब एडिट करने के बाद डेटा को प्रेजेंट करेंगे, मतलब सामने रखेंगे। रखने का क्या तरीका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले डेटा को क्लासीफाई करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में भी था, उसके बाद इसको टेबल के फॉर्म में डालेंगे, उसका डायग्राम एंड ग्राफ। दोस्तों इस चीज़ के अंदर कार्टोग्राम, मैपोग्राम, हिस्टोग्राम, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे आप स्टेप समझिए कि डेटा को पहले हमें पहले स्टैटिक एनालिसिस में प्लानिंग करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, फिर डेटा को एडिट करेंगे, फिर डेटा को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के इन सब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डेटा को एनालाइज करेंगे, एनालाइज मतलब देखेंगे कि क्या हुआ है, आंसर क्या आया, जो हमने किया था वो क्या हुआ है। आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को कि ये क्या हुआ है। ठीक है, अब एनालाइज करने के बाद डेटा को इंटरप्रिटेट किया जाता है, इंटरप्रिटेट मतलब कि उसका कंक्लूजन निकालना कि क्या हुआ। देखो एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना दो अलग चीज़ है, एनालाइज मतलब दोस्तों होता है कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखना, ठीक है, और इंटरप्रेट करना मतलब उस डेटा को अपने हिसाब से समझना एंड उससे कुछ मतलब कंक्लूजन निकालना। तो देखिए दोस्तों, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब उससे कंक्लूजन निकालना एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट मतलब कि आपने जो आपका कंक्लूजन निकला उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर देना। दोस्तों कितना ईजी था, जिसको भी कठिन लगता है वो आज देख रहे स्टैटिस्टिक्स कितना ईजी होता है। किसी भी चीज़ का आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, खोजना है कोई नई चीज़, या तो कोई चीज़ सही है कि कोई चीज़ गलत है उसको साबित करना है, उसके भी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद ये आपके स्टेप्स थे, एक बार फिर से देखते हैं। प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भैया प्लानिंग इसके अंदर पर्पस भी आता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। दूसरा कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसस, सैंपलिंग, प्राइमरी सोर्स या तो सेकेंडरी सोर्स, बाद में डिस्कशन होगा। उसके बाद एडिटिंग ऑफ डेटा, डेटा को एडिट करना, काटना छाटना। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दोस्तों इसके अंदर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, टैबुलेशन है, डायग्राम एंड ग्राफ है। उसके बाद एनालिसिस, उसको उसी के हिसाब से समझना। इंटरप्रिटेशन, डेटा को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करके कंक्लूजन निकालना एंड रिपोर्ट तैयार करना। दोस्तों ये टॉपिक आज खत्म हो चुका है, इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस की जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, हम लोग जो दोस्तों 0 से 100 पॉइंट तक जाएंगे एकदम आराम से एंड सब कुछ को अच्छे से समझते हुए। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं जाने वाला, आपका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसके पीडीएफ नोट के साथ में और इंडिया बीकॉम एंट्रेंस के पीवीसी पेपर एंड अदर नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।